आज पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर कुशीनगर में भी ईदगाहों और मस्जिदों में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। पडरौना में भी ईद उल अजहा के अवसर पर नुनिया पट्टी, नौका टोला, खिरिया टोला, छावनी इत्यादि मोहल्लों में मुख्य नमाज वहां के मुख्य मस्जिदों एवं ईदगाहों पर शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। सामाजिक सौहार्द बना रहे इसके लिए प्रशासन और पुलिस कल से ही सक्रिय होकर मुस्तैद है। नमाज पढ़कर अल्लाह की राह में बकरों की कुर्बानी दी जाएगी, इसके लिए लोग बकरों के इंतजाम में लगे रहे। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा, इससे बाजारों में भी काफी चहल पहल देखने को मिली। देर रात तक बाजार गुलजार बना रहा। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईद उल अजहा के दिन अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह की राह में देने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उसी समय हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बे को रख दिया। इससे हजरत इस्माइल को जीवन दान मिल गया। उन्हीं की याद में बकरीद का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम बंधु सुबह उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। इसके बाद घर पर बकरे की कुर्बानी देते हैं। इनमें तीन हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों के लिए होता है, वहीं एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों व एक हिस्सा घर के लिए होता है। पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग शनिवार को पूरे दिन तैयारियों में लगे रहे। वहीं घरों में साफ सफाई की गई, इससे मुस्लिम बहुल इलाकों में पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला। उधर जिला व पुलिस प्रशासन के साथ ही अधिकारियों व थाना प्रभारियों ने शांति व कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण व भाईचारा बनाए रखने की अपील की। पडरौना के मुस्लिम मोहल्लों में नमाज अदा की गई, उसके साथ ही लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद उल अजहा की बधाइयां दी। पडरौना के साथ साथ कुशीनगर के अन्य इलाकों में भी ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। तमकुही से पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने लोगों के बीच जाकर उन्हें ईद उल अजहा की बधाइयां दी। जिले में शांति व सौहार्द बना रहे इसके लिए जिला प्रशासन कई दिनों से लगातार सड़कों पर गश्त करके लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा था। कल रात्रि में भी पूरी रात पुलिस प्रशासन मोहल्लों में गश्त करके लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील कर रहा था। आपको बता दें कि आज ईद उल अजहा का त्योहार कुशीनगर में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। जिले में मुस्लिम मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजाया गया था।